लखनऊ के अकबरनगर में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर जो है घरों को बुलडोज कर रहा है। सरकार का कहना है कि ये अवैध निर्माण है, इनको घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था और नोटिस की अवधि जब खत्म हो गई तब इन घरों पर कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए तमाम लोग अपना घर खाली करके निकल रहे हैं, अपना जो सामान है, माल असबाब है, उसको लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और दूसरी तरफ लखनऊ प्रशासन का जो बुलडोजर है वो अपने काम में लगा हुआ है, घरों को बुलडोज किया जा रहा है। जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उन्हें पहले उजाड़ा गया, लोगों ने खुद ही अपनी झोपड़ियाँ हटाई और उसके बाद जो पक्का निर्माण है उस पर अब बुलडोजर चल रहा है। दो तीन महीने पहले भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी लेकिन सब लोग तब कोर्ट चले गए थे, कोर्ट से इनको थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद जिन घरों को कोर्ट की राहत नहीं मिली है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही। बताया जा रहा है कि ऐसे 200 से 300 घर हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। पुलिस के लोग मौजूद हैं कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो और इस इलाकों को खाली कराया जाए। सरकार का कहना है कि ये गोमती के बहुत नज़दीक है इसलिए यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम होगा। बुलडोजर देखिए अपनी पूरी ताकत के साथ घरों को बुलडोज कर रहा है, ज़मीन को बराबर कर रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो घरों के ऊपर मौजूद हैं ये सहमे हुए से इस कार्रवाई को देख रहे हैं क्योंकि इनके घरों का भी नंबर आना है। तो जिनके घर तोड़े जा रहे हैं जाहिर बात है कि उन पर क्या बीत रही होगी ये वही जानते होंगे, लेकिन जो देख रहे हैं और जिनके घरों का नंबर है, जिनके घर आगे तोड़े जाने हैं, वो भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और यहाँ पर घरों को खाली करने का काम जो है लगातार जारी है। तो बुलडोजर देखिए अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर घर न सिर्फ घरों को बुलडोज कर रहा है बल्कि जो उबड़ खाबड़ जगह है उसे भी वो बराबर कर रहा है, समतल कर रहा है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर घरों को खाली कराया गया, तो बड़ी संख्या में मीडिया भी तैनात है, पुलिस फोर्स के लोग भी तैनात हैं और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस कार्रवाई को देख रहे हैं डरे सहमे हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बुलडोजर जल्द ही उनके घरों पर भी धावा बोलेगा और उनके घरों को भी बुलडोज किया जाएगा। सरकार कह रही है कि ये निर्माण अवैध है इसलिए लोगों को खाली करना होगा। तुम्हारा घर कहाँ है भाई? सुनसान पड़ा हुआ है। ये तुम्हारा घर है? हाँ। जी। तो कहाँ जा रहे हैं सामान वामान लेके? कहाँ जाए आप बताइए, जहाँ ये बताएंगे हम कैसे बताएंगे? वो जहाँ दे रहे हैं वहाँ 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना दे रहे हैं। कि बसंत कुंज में कहीं बसंत कुंज में दे भी रहे हैं काम कर रहे तो बाबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देख नहीं रहे सामान लाद के कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो तो कह रहे बसंत कुंज में दिया, मतलब बसंत कुंज में फ्री थोड़ी ना दे रहे हैं, अब उन्हें पैसे दे तब वहाँ पर जाके रहेंगे, वरना पैसे पहले मांग रहे 5,000 रुपए फिर 5,000 रुपए किससे बांध रहे, तो कहाँ से गरीब आदमी देगा झोपड़ा पट्टी वाले 5,000 रुपए एक महीने किस्त? हाँ महीने की किस्त, 10 साल की किस्त मांग रहे हैं। यार पक्का मकान में मिल ही जाएगा तुमको? तो पक्का मकान मिले, 2 गज के मकान में क्या होगा, एक कमरा होगा, एक लेटरिंग बाथरूम होगा, उसमें लेटेंगे बैठेंगे खाने, इतना बड़ा परिवार कहाँ लेटे बैठेगा? सरकार तो कह रही है कि ये अवैध है। अबे मिलना चाहिए कुछ। बुलडोजर देखिए कार्रवाई कर रहा है, इन लोगों का घर भी अब कार्रवाई की जद में है, सामान इन्होंने निकाल लिया है, सामान निकाल लिया है और घर जो है अब खाली होना है। टंकी टंकी जो भी बर्तन सब टंकियों की, तो सारा सामान शिफ्ट कर दिया कि अभी यही है सब रखा, तो आप देखिए कैसे पड़ा हुआ है, सब बिथरा हुआ सब पड़ा तो है, सब देखिए कैसे ले लेके आ रहे हैं, ये देखिए मकान तो बता रहे हैं कहीं मिला है आप लोगों को? कहाँ मकान मिला? कहीं नहीं मिला। कुछ में कह रहे हैं तो यहाँ हम लोग को नहीं मिला है कहीं है? हम लोग को कहीं नहीं मिला, अभी जहाँ कहीं है ठिकाना की ऐसे निकल के सड़क पे रहेंगे जाके, वो कहाँ रहेंगे, कहीं मड़ाई ऐसे डालेंगे कहीं जा करके? देखिए सामान ले लेके लोग निकल रहे हैं और ये जो तमाम लोग हैं खड़े होकर देख रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इनके घरों का भी नंबर आना है। तो एक बड़ी आबादी रहती है, ये लोगों का कहना है कि लगभग 3-4 हज़ार घर इस इलाके में हैं, उन घरों को खाली कराया जाना है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इन्हें वसंत कुंज में मकान दिया गया है लेकिन इनका कहना है कि वो उसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपये है, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं तो उन मकानों को ये खरीद पाएँ या उसकी किस्त जो है वो चुका पाएँ। तो फिलहाल दहशत का माहौल है और जिनके घर तोड़े जा रहे हैं वो रो रहे हैं, अपने घरों को तोड़ता हुआ देख रहे हैं। और देखिए महिला सब अपना डब्बा वब्बा लेके जा रही है, गैस चूल्हा डब्बा, बहुत मुश्किल हालात होते हैं जब अचानक से किसी को अपना घर खाली करना पड़ता है उसमें जब बुलडोजर चलता है तो। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि उसको आदेश मिला है और वो आदेश का पालन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है।